ये जाली वाला है। गाइस स्वागत है आपका अपने अनदर न्यू ब्लॉग में। तो आज हम अपनी बुलेट में कुछ चेंजेस वगैरह कराने वाले हैं, तो आपको दिखेगा ब्लॉग के अंदर, तो बने रहना। दो तीन चीज़ें हैं जो करवाना है, एक तो बुलेट में सर्विस करानी है बुलेट की, और दूसरी और तेरी मोर ओए मोर ओए कूद गया ये भाई साहब, कूद गया नीचे। तो भाई वो तो कूद गया, पता नहीं कहाँ गया, आगे से दिखेगा नहीं भाई, गेट लगा है। और अभी हमारे इसमें सर्विसिंग करानी है, आज मैंने सोचा है साइलेंसर भी चेंज कराऊंगा इसका, और एक बैटरी भी है शायद इसकी ख़राब, तो बैटरी भी चेक कराऊंगा इसकी। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे, और व्लॉग में बने रहना। क्या बोल रहे मामा, हॉर्न का ज़रूरी तो नहीं है तेरा? कौन सा हॉर्न का? तुम्हारा बुलेट वाला। अरे भाई बुलेट का हॉर्न का ज़रूरत है भाई, साइलेंसर लगाएगा? साइलेंसर तो लगेगा लगेगा, बराबर बराबर। हाँ बाकी अभी ऑयल ले लिया, रात में सर्विसिंग होगी इसकी। और क्या बोल रहे हो? साइलेंसर लगेगा, बड़ बड़ वाला। हाँ मज़ा आएगा, मज़ा आएगा साइलेंसर लगाने के बाद। वो साइलेंसर मुझे दे दिया, मैं रिक्शे में लगा लूँगा। कौन सा? रिक्शे में लगा लूँगा वो वाला साइलेंसर। तो अभी अंकल जी से साइलेंसर लेंगे। अंकल जी मंगवा दो साइलेंसर। ये जाली वाला है तो अब ब्लैक में चाहिए ना अंकल? ये तो पीला हो जाएगा, पीला हो जाएगा ये तो। हमारे को चाहिए ऐसे में ब्लैक में। ये तो अंकल जी वैसे पंजाब है ना, ये पंजाब है क्या? इंदौरी है? तो क्या इंदौरी नहीं है क्या बिना जाली वाला? बिना जाली वाला सेलमैन का आएगा, बिल्कुल ऐसा आएगा 1300। अभी आप बोले थे क्या इंदौरी है जाली वाला? सर के इंदौरी और जाली वाला एक ही बात होती है। वह इनके पास तो है ही नहीं, बाकी ये पंजाब है इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ है। तो भाई इनके पास केन तो नहीं है, तो अभी आपसे आगे मिलेंगे। केले के लिए यहाँ पे पी रहे हो भाई साहब, और ये क्या लगा रहे हो फोन? भाई मेरा पैसा है तो मैं पीऊँगा। क्या चीज़? मेरा पैसा है तो मैं पीऊँगा, तू पिएगा? तो मेरे को भी तो पिला दो यार, पैसा लगा के भाई ये पीना यार। तो भाई साहब मामा अकेले अकेले पी रहा है, और ये क्या लगा रहे हो? अकेला जीना है, अकेला ही पीना है। ये क्या लगा रहे हो साइड में, ये तो बता दो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं, ये बुलेट का शोरूम है, और इसके ऊपर भाई साइलेंसर लगवाने के लिए प्रॉब्लम करते हैं। तो भाई अभी ये दोनों साइलेंसर पसंद आए, तो इन दोनों में लगा के देखेंगे कौन सा अच्छा होता है। आवाज़ ज़्यादा साउंड नहीं चाहिए, बस नॉर्मल साउंड चाहिए अपने को। वहाँ ले जा रहे हैं साइलेंसर जो बजरंग बली। तो भाई मामा ले जा रहे साइलेंसर, अब मैं भी देख रहा हूँ कैसे चेंज होता है। देखो ना आधा आ गया, पैर तक आ गया तुम्हारे, ये आधा आ गया ना। तो अभी भाई हम अपनी बुलेट में चेंज करके देखेंगे, मेरी अपनी बुलेट। ये देखो हमारे मेहनती मामा, किससे बता रहे हो मामा? दीदी से बता रहा हूँ भाई साहब, दीदी में ही लगा जाते हैं ये। तो हमने अपना ये दोनों बाहुबली का कदा उठा लिया, और अपने बाइक के पास चलते रहते हैं। ये इंजन ऑयल है, और ये दो साइलेंसर। तो भाई हमारी बाइक खुलना स्टार्ट हो गई है, ये बाइक का साइलेंसर है, बाकी देखते साइलेंसर लगने के बाद कैसी आवाज़ आती है बाइक की। अभी तक तो इसकी जनरेटर जैसी आवाज़ आ रही थी, पर देखते हैं अभी आगे कैसी आवाज़ आएगी। बाकी यार यहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रही होगी। अंकल जी मेरे को देख रहे हैं कि किससे बात कर रहा है ये, तो हम भाई सब्सक्राइबर से बात कर रहे हैं अपने। तो भाई साहब की पत्ती भी ले ली है, एक तो भाई साहब बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसमें दिमाग ख़राब होगा अब सबसे ज़्यादा। भैया ऐसा करना झुकावा ना लगे भैया ये, ठीक है? तो भाई अपनी बुलेट की नहीं है, बैटरी भी डाउन हो रही थी, तो भाई यहाँ पे अभी बैटरी डलवाना है। बुलेट अपनी गई खड़ी सामने, भैया अभी है नहीं, भैया बाहर गए हैं, आते हैं तो वो चेंज करेंगे भैया आगे। तो अपनी बाइक में लगने स्टार्ट हो गई बैटरी, ये लगे
तो यार पता है साइलेंसर लगवाने गया था ना मैं, तो उसके बाद में दो साइलेंसर लिए थे मैंने, एक साइलेंसर चेक किया तो एक तो चेक हो गया था, दूसरा वाला चेक ही नहीं हो रहा, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी बैटरी की वजह से। फिर पता लगा कि बैटरी ख़राब है, तो अब भाई बैटरी भी चेंज कराने आ गया, क्योंकि वो सेकंड वाला साइलेंसर चेक हुआ नहीं था, तो इसलिए उसको छोड़ ही दिया हमने। फिर हमने दूसरी वाली फिक्स करा ली। ये भाई अपना बैटरी चेंज कर रहा, एक्सचेंज करा के भाई ये तकरीबन 1350 रुपये की पड़ी बैटरी। मिलते हैं आपसे बाद में, मिलते हैं भाई। ये बिल बन रहा अपना। इंस्ट्रूमेंट की कितनी है? पुरानी देखो 23,000। पुरानी देखो 23,000। क्या क्या लगा आपको? आधार कार्ड, पैन कार्ड और एटीएम और चेकबुक। चेकबुक नहीं। तो गाइस आज नहीं है, बहुत दिनों बाद हमारे को ताजू मिल गया है, वही भिखारी वाला। तो ताजू क्या हाल है भाई? बढ़िया, कैसे हो? और ये भिखारी कारी ना भाई, अभी देख लो जॉर्डन के शूज भिखारी थे, अब महंगे हो गए। अच्छा महंगा हो गया अब गलती से तो भाई बंदा बोला गलती से महंगा हो गया। तो जैसे ही मैं घर पे पहुंचा ना, बुलेट का साइलेंसर वगैरह लगवा के, बैटरी वगैरह लगवा के, तो ये दिख गया मेरे को भाई, अब मेहनत करने लगा है बंदा, ड्यूटी करने लगा है। YouTube में कुछ नहीं रखा हुआ है ना दादी? ना रे कैसी बातें कर रहा है भाई, YouTube वाले बंदे आईफोन चला रहे हैं, बुलेट चला रहे हैं, कार वार चला रहे हैं, और इनकी अगली प्लानिंग है मुकेश अंबानी के साथ डील करने की। देखो सबको थोड़ी ना बताते यार ये स्कीम। वो राजा भाई बुलेट में ना काफी ना वो बढ़िया साइलेंसर लगवा दिया, मतलब ना वो नॉर्मल थी ना। पहले हम दोनों चलेंगे और आवाज चेक करेंगे बुलेट का कि कैसा साउंड आ रहा है। ठीक है, पिछली बार तो बिल्कुल थी नहीं, पिछले वाले साइलेंसर तो कंपनी का साइलेंसर होता है ना। अभी इसकी बैटरी चेंज कराई है, अभी रात में एक दोस्त आएगा मेरा, वो सर्विसिंग करेगा और बुलेट का साइलेंसर चेंज कराई दिया है। पर ये बात है मज़ा आ रहा है भाई चलाने में, बुलेट बुलेट होती है भाई। तो नसीम ये गाड़ी मूतना बंद हो गई। नसीम तेरा नाम क्या हो जाएगा अब? नसीम मिस्त्री? नहीं नसीम मकैनिक, मिस्त्री तो उसको बोलते हैं जो चलाने नहीं करते हैं। तो भाई ये तेल, ये ऑयल है जो हम डलवा रहे हैं। हाँ? इसने कुछ ज्यादा दिन मूत नहीं दिया बाइक ने, इतना साड़ा बुलेट है। हाँ बुलेट है, बुलेट में देखिए इतना तेल, तेल नहीं है मूत है, ये गाढ़ा गाढ़ा वो भी काला काला। हाँ नसीम, हाँ भाई क्या करना है? तो अभी ये बना रहा है, मेरी तो फोटो आई नहीं रही, तेरी आ रही ना इधर से। तो अभी ये बना रहा है, सर्विसिंग करेगा, फिल्टर भी साफ करेगा। तो लेके नहीं आया 10 की गोटी, पहले पता था। चलो तो 2 मिनट का काम है, वो तो कर देगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। कुत्ता काट लेता है वाला। तो भाई साहब अपनी बच्चे रहना, भाई साहब काट लेता है वाला कुत्ता। ये कुत्ता काट लेता है भाई, 14-15 आदमी को काट लिया। क्या नसीम क्या बोल रहा था? अरे उसने 14-15 आदमी को कुत्ते ने काट लिया, उसने कुतिया ने था। तो भाई अपने बाइक में ऑयल वगैरह डाल के मैं जा रहा हूँ, ठीक है? पूरा टन कर दिया, अब इसको धुलवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं आगे। ठीक है, साइड में ही हमारा डिस्ट्रिक्ट आ गया है और ये गवर्नमेंट स्कूल है। तो हे गाइस देख सकते हो हमारे भारत की हालत है, ये देखो। तो ये हमारे अरमान भाई मोटो व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं भाई, इनका भी चैनल है अरमान जैसल। भाई अभी हम भी चेक करेंगे भाई साहब ये हेलमेट पहन के कि ये कैसा लगता है भाई, मतलब मोटो व्लॉगिंग करके। आपको मैंने बोला था ना कि भाई मोटो व्लॉगिंग भी स्टार्ट करेंगे उस दिन बाद। आजा भाई भी अभी फील लेंगे पूरी। हाँ हमारे अरमान भाई, अपने को तो भाई ये करने नहीं आता भाई, अपने को तो ये आता है बस। तो चलिए अभी आपको मैं बुलेट का साइलेंसर की आवाज़ दिखाना था ना आपको, तो मैं अभी आवाज़ दिखाऊंगा इसकी। तो वैसे पटाखे मारती नहीं मारती के इंदौरी में, आपको वो भी पता लग जाएगा। पर एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, चलान तो फिर भी है इस पर, हम देखो नॉर्मल चला रहे हैं बिल्कुल। कितने की स्पीड में भाई साहब? 10-20 की स्पीड, 10-20 की स्पीड में चला रहे हैं। ओ भाई साहब देखो ये है दिल्ली का हाल, देख सकते हो भाई, ये है हो गई हमारी ऑफ रोडिंग।
यहाँ पे हो रही है हमारी ऑफ रोडिंग। तो अभी मैं आपको इस साइलेंसर की आवाज़ भी दिखाऊंगा, पटाखे बोलता नहीं है नहीं बोलता, ये भी चीज़ दिखाऊंगा आपको मैं। पटाखे तो जरूर बजेंगे, बट बज जाएंगे वैसे, मेरा मेरे को भी तो यही लग रहा है कि पटाखे बज जाएंगे। तो हे गाइस, अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे आपको मैं साइलेंसर की आवाज़ भी दिखाऊंगा। और भाई साहब मात्र पता है कितने रुपए में ये साइलेंसर, बैटरी और चलते सर्विसिंग, मात्र 1200 रुपए में करवाया है मैंने। आपको मतलब कि दिखाऊंगा आगे जाके, बाकी इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं कि इसकी आवाज़ कैसी है। चलिए तो गाइस, ये रही अपनी बुलेट, ये पूरी लुक। और ये भाई साहब, ये अपना जिम अभी स्टार्ट किया है, जब हमने पहले लोगो लगवा लिया। तो भाई ये अपना साइलेंसर है, देखो ये वाला साइलेंसर लगवाया है के इंदौरी, बिना जाली वाला है ये। और इसकी जो बैटरी डली है वो इधर डली है, पीछे से देखेगी आपको। और सर्विसिंग जो मेरे दोस्त ने करी थी वो भी आपको व्लॉग में पीछे दिख ही गया होगा। तो अभी मैं इसकी आवाज़ दिखाता हूँ आपको। तो हे गाइस, भाई बुलेट में मैंने चेक तो किया, पर पता है क्या हो रहा है उसके अंदर यार, पटाखे बोल रहे हैं यार। अब मेरे को अगर जैसे कि रोड वगैरह पे निकलूँगा ना मैं, जैसे ट्रैफिक वाले पुलिस वाले दिख गए, तो बाइक नहीं है बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल धीमे धीमे जैसे चीटी की चाल होती है ना वैसे चलानी स्टार्ट करनी पड़ेगी पुलिस वालों के सामने। बाकी वैसे तो नॉर्मल यार मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाता, आपको मोटो ब्लॉगिंग में दिखेगा कितना तेज़ चलाता हूँ कितना धीरे चलाता हूँ, वैसे वहाँ दिखेगा। तो भाई अपनी बुलेट देखो वो खड़ी, पर इसके अंदर आप पटाखे फूट रहे हैं भाई, इसका आप जुगाड़ तो कुछ कर नहीं सकते, लगवा लिया है तो अब चलने ही देंगे। तो और गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और बाकी अभी मैं भी वो व्लॉगिंग इनसे करूँगा, देखता हूँ अभी आगे दिखेगा आपको इससे करूँगा। पर बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अरमान भाई चलें? हाँ बिल्कुल भाई चलते हैं। भाई देखो, हमने भी इसको अपने आईफोन GoPro बना लिया है, बाकी देखते हैं घर पे जाके व्यू कैसा आता है भाई इसके अंदर शूट करने के बाद। तो ये भाई हमने लगा दी चाबी, थोड़ा तू मूव भी करियो। अच्छा यूँ करेगा ना। तो भाई मैं GoPro उतना चलाने नहीं आता, अरमान भाई बता रहे हैं हमारे को कैसे चलाना आता है। भाई हमने भी रिव्यू देख के सीखा भाई, वो तो धीरे 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 हो जाएगा ना ना अरमान भाई। हाँ बिल्कुल भाई सीख जाओगे। तो यही अरमान भाई है, अरमान भाई का चैनल है अरमान जेजल, जाइए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलो भाई, चलो भाई बैठो। तो भाई चल लेते हैं अब अपने घर पे। तो टेक टू भाई साहब, अभी दिल्ली में बहुत जगहों पे नहीं है मकान वकान तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ तोड़े जा रहे हैं भाई। ये तो भैया कहाँ की दुकानें तोड़ के आ रहे हो पीछे की तो भाई मजे ले रहे हैं पीछे की दुकानें तोड़ के आ रहे हैं।
क्या कर रहे हो यार। तो भाई साहब लोग यहीं पे एंड करते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे बाद में।